असल आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रहें दुनिया भर की खबरों से बाखबर रुक करेंगे आरिफ वाला का जहाँ से रिपोर्ट करें हमारे बैरो चीफ शफीक फूल डिविजनल सदर प्रेस क्लब सैद्राक्ष ने कहा है कि सहाफीती इतिहाद वक्त की अहम ज़रूरत है यकजा होकर सहाफत करने के मिसबत नत बरामद होते हैं इलाकई सहाफी बगैर किसी मुआवजे के अपनी जान हथेली पर रखकर आवामी मसाइल की निशानदही करके अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं इन ख्याल का इजहार उन्होंने आरफ वाला में सहाफ़ियों के एक बड़े इज्तम से बतौर मेहमान खसूसी के खिताब करते हुए किया तक का इत्माम सी, आ, सीनियर सहाफ़ी साजिद महमूद शेख और इनकी टीम की तरफ से किया गया था जिसमें जिला पाकवतन के तमाम तहसीलों और कस्बा ज्यादा के अलावा गग्गो मंडी और मुख्तलिफ इलाक़ों से सहाफ़ियों और मोजीन इलाक की कसिर तादाद ने शिरकत की उन्होंने कहा कि हम सीनियर सहाफ़ी साजिद महमूद शेख को तमाम ग्रुप के सहाफ़ियों को एक जगह इकट्ठा करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं अगर यही जोश जोशो वलबला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एक छत तले तमाम सहााफ़ी मिलकर एक ख़ानदान की मानंद अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ निभा रहे होंगे इस मौके पर उन्होंने डिवीजनल प्रेस क्लब के चेयरमैन और चेयरमैन मार्केट कमेटी साहिबाल मियाँ बाबर सकीब की तरफ से मैंगो पार्टी और सहाफियों के लिए एक तरबियती वर्कशॉप मुनदद करने का ऐलान किया मैंगो पार्टी के हवाले से दावतनामे जल्द भेज दिए जाएंगे